नमस्कार, आप देख रहे हो आप ही का चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक। आज फिर मैं रतन वर्मा, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम दिखाने वाला मात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक, और मैं रतन वर्मा चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। देखो, आज है निर्जला ग्यारस। आज मैं आपको रतनगढ़ के पूरे बाजार के दर्शन करवाऊँगा। ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि रतनगढ़ के अंदर निर्जला ग्यारस कैसे मनाई जाती है और कहाँ कहाँ ठंडे शरबत या पेयजल की व्यवस्था है। कुछ ऐसी जगह भी हमारे को मिली जहाँ समोसे भी यहाँ निर्जला ग्यारस को बांटी गई, लीची भी बांटी गई, शरबत भी बांटा गया, और भी बहुत कुछ है। देखते रहिए आप हमारा चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक। अच्छा लगे तो शेयर करना और कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। हम ये निर्जला ग्यारस पर जल सेवा हमारे काकोसा की याद में कर रहे हैं। हमारे काकोसा श्रीमान सरवन सिंह जी की याद में जल सेवा कर रहे हैं। सभी बच्चे जी जान से लगे हुए हैं, धार्मिक कार्य है, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और इतना ही सहयोगी यहाँ की जनता जो हमारा साथ दे रही है बढ़ चढ़ के। पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे दिन यहाँ लगातार जल सेवा की जाएगी। सभी ये साथ देने वाले भाई बंधु है, ये भी अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, और यहाँ की जनता है जो यहाँ के दुकानदार भाई हैं वो भी तन मन धन से हमारा साथ दे रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। हमारे काकोसा सरवण सिंह की याद में ये जल सेवा की जा रही है। रतनगढ़ धार्मिक चैनल में स्वागत है, आप क्या कहना चाहोगे? सर, अभी देखो गर्मी की बहुत तेज़ है, गर्मी तेज़ है, इसी वजह से हमने सोचा है, प्लान बनाया कि हम जल सेवा दें। आज के दिन आज ग्यारस है, निर्जला ग्यारस है। इस अवसर पर हमारे जो काकोसा हैं सरवण सिंह, उनके पुण्यतिथि में हमने ये प्रोग्राम रखा गया। ये नींबू का पानी है कि ऑरेंज का, संतरा किस से? ऑरेंज का है सर, ऑरेंज का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप और आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो इन सभी का मैं रतनगढ़ धार्मिक चैनल में स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हो कि आज निर्जला ग्यारस को ये भक्त बढ़ चढ़ करके आज हिस्सा लेकर के सभी की सेवा करें। मैं आगे चलता हूँ और देखते हैं रतनगढ़ में कहाँ कहाँ पेयजल की व्यवस्था है। धन्यवाद। आप देख सकते हो कि बबेरवाल हैंडलूम के सामने मैं खड़ा हूँ। ये मेन बाजार का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो आज निर्जला ग्यारस है, और निर्जला ग्यारस के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आज के दिन निर्जला ग्यारस के दिन ठंडा पानी क्यों पिलाया जाता है, पूरा इतिहास मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हो कि अभी हम उगने बाजार के अंदर हैं। यहाँ पेयजल की यहाँ भी व्यवस्था है। रूह अफजार यहाँ देखो, आप देख सकते हो कि मतीरे और मतीरे का जो है ना, वो देख सकते हो, यह भी यहाँ सुविधा दी जाएगी। बस जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल घंटा के पास में। देखते हैं यहाँ पर ऑरेंज पेयजल की व्यवस्था दी जा रही है निर्जला ग्यारस को, आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, ये है घंटाघर। तो जैसे ही मैं घंटाघर के पास पहुंचा हूँ तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि इनके पास आम है, तरबूज है, और पेयजल ऑरेंज का है। साथ में ये बता रहे हैं शाम को ये सुविधाएं देंगे आज निर्जला ग्यारस को कुल्फी की। तो भाई साहब से थोड़ी जानकारी लेते हैं। भाई साहब नमस्कार करते हैं आपको, धार्मिक चैनल है। आप जैसे निर्जला ग्यारस को इतना आप धर्म कार्य कर रहे हो, क्या नाम आपका, शुभ नाम क्या है? नाम सब है भगवान का। चलो भगवान परमेश्वर जी। अच्छा बताओ क्या क्या करोगे ये तो बताओ। नींबू पानी और ये ऑरेंज जूस, उसके बाद तरबूज ठंडे, उसके बाद आम का रस, और फिर गुल्फी। ये कौन सा स्थान है? ये घंटाघर के पास में अगुना बाजार। सुबह शुरू हुआ था, शाम तक चलेगा। सुबह कितने बजे? 9 बजे। देखो आपने देखा कि सुबह 9 बजे इन्होंने प्रारंभ किया और शाम तक ऐसे ही ये भक्तों को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। आप देख सकते हो कि अब मैं पहुंचा हूं बड़ौदा बैंक के पास। तो वहाँ भी नींबू पानी और रूह अफजा का जो पेयजल दिया जा रहा, आप देख सकते हो यहाँ नींबू पानी भी है और यहाँ रूह अफजा, आप देख सकते हो। मैं आपको पूरे मार्केट के दर्शन करवाऊंगा। आप इस प्रकार के जो धर्म कार्य आज निर्जला ग्यारस को जो हो रहे हो दिखाने पूरी कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए आप रूह अफजा। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं गणेश जी के मंदिर रोड।
तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ भी की जा रही है। देख सकते हो कि ये भाई साहब जानकर लेते हैं, भाई साहब क्या ये क्या क्या भाई साहब क्या चीज़ है, रोज जाएगा क्या ये? हाँ दूध का मिल्क रोज, मिल्क रोज। देखो यहाँ मिल्क रोज की व्यवस्था की जा रही है, आप देख सकते हो अलग अलग जगह पर अलग अलग पेयजल आपको मिलेंगे। ये है गणेश जी के मंदिर रोड, आप देख सकते हो यहाँ भी खूब भीड़ लगी हुई है। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ अशोक स्तंभ के पास, वहाँ देख सकते हो कि यहाँ भी पेयजल की व्यवस्था की गई है, गणमान्य व्यक्तियाँ विराजमान है। आप देख सकते हो राजकुमार जी, रिनवा जी के लड़के श्याम भाई जी, मनोज जी। अब देखते हैं कि किन के द्वारा ये पेयजल की व्यवस्था यहाँ लिखा हुआ है। रतनगढ़ नागरिक परिषद दिल्ली NCR द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है। इधर रतनगढ़ नागरिक परिषद जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। इनके द्वारा यहाँ ये पेयजल की व्यवस्था है, थोड़ा सा ध्यान करते हैं भाई साहब क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये? केरी का पानी। हाँ जी केरी का पानी, केरी का पानी। देखा आपने, मैंने सब जगह आपको दर्शन करवाए लेकिन ये पहली एक ऐसी जगह है जहाँ केरी का पानी पिलाया जा रहा है। तो धन्यवाद, देखते रहिए। अब आगे चलते हैं बस स्टैंड। ठीक भाई, तो अब मैं पहुँचा हूँ सूर्य स्तंभ के पास में, जहाँ भी देखो आप देख सकते हो रूह अफजा और साथ में है ये क्या है वो पता करते हैं भाई साहब, ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये तो रूह अफजा और ये वो वाला क्या है, येलो वाला, येलो क्या है? ये जलजीरा, जलजीरा, जलजीरा। देखो यहाँ जलजीरे की व्यवस्था, रूह अफजे की व्यवस्था, अशोक स्तंभ के पास का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, तापड़िया मंदिर के पास में सारी व्यवस्था दी गई है। निर्जला ग्यारस को हम ऐसे भक्त से मिलेंगे जो हमें ये जानकारी देंगे कि निर्जला ग्यारस क्यों मनाई जाती है, जानकारी छूट लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो खूब भीड़ यहाँ और खूब मन से सेवा हो रही है, इसीलिए रतनगढ़ को धार्मिक नगरी कहते हैं। धन्यवाद, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब मैं पहुँचा हूँ श्री श्याम मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है, मंगल वस्तु भंडार यहाँ लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ के पास प्राचीन श्याम मंदिर। तो वहाँ पर भी इन्होंने देखो किस प्रकार से भक्त, देखो किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देखो कितने मन से ये जल व्यवस्था दे रहे हैं। देखते हैं अभी, देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं, अभी देखते हैं। अभी मैं अशोक स्तंभ के दृश्य दिखा रहा हूँ श्री श्याम मंदिर का। देखो बाजार में कितनी जगह मैं पहुँचा हूँ, सब जगह आज निर्जला ग्यारस को ये सुविधाएँ दी जाती है। थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे भी आज के दिन ये जल क्या, ये क्या भाई साहब क्या चीज़ बता सकते हो? नींबू पानी, नींबू पानी, यहाँ नींबू पानी की व्यवस्था दी जा रही है। देखते हैं अभी, आज बाजार के अंदर पूरी चहल पहल, खूब भीड़ लगी हुई, आप देख सकते हो निर्जला ग्यारस को। तो अब जानकारी लेते हैं कि निर्जला ग्यारस क्यों मनाई जाती है। मैं खड़ा हूं अभी अशोक स्तंभ के पास, अशोक स्तंभ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। एक भक्त हमारे को ऐसे मिले जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है कि आज देखो टेम्पो को रोक रोक के, ऑटो को रोक रोक के यहाँ नींबू पानी की सुविधाएं व्यवस्थाएं दी जा रही है। देख सकते हो आप, देखो कितने मन से पिला रहे हैं, देख सकते हो कि आप ये सारा दृश्य आप रतनगढ़, इसीलिए रतनगढ़ को छोटी काशी और धार्मिक नगरी कहा जाता है, आप देख सकते हो कि आप। तो अब जानकारी लेते हैं, तो अब वो समय आ गया है हम जानकर लेते हैं कि आज के दिन निर्जला ग्यारस क्यों मनाया जाता है। एक भक्त हमारे साथ में, भाई साहब नमस्कार करते हैं आपको, आपका शुभ नाम भाई साहब? विनोद शर्मा साहब। ये जो जल व्यवस्था जो आप दे रहे हो नींबू पानी, किस नाम से क्या क्या बता सकते हो? जैसे हम श्याम मंदिर के आगे खड़े हैं, किस नाम से दे रहे हो क्या बता सकते हो भी आप जी? किन के द्वारा हो रही है ये? श्रीनाथ सेवा मंडल के तत्वाधान में हर एकादशी निर्जला एकादशी को करते हैं हम। अच्छा, थोड़ा एक मिनट माइक पकड़ोगे भी आप, मैं एक बात आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये निर्जला ग्यारस क्यों मनाया जाता है? आप मुझे धार्मिक व्यक्ति लग रहे हो, आपने तिलक भी लगा रखा है, धार्मिक लग रहे हो, थोड़ा बताओगे? आपका शुभ नाम बताना पहले, फिर बताना आप ये निर्जला ग्यारस क्यों मनाई जाती है। मेरा शुभ नाम विनोद शर्मा है और ये निर्जला एकादशी इसलिए मनाई जाती है कि महाभारतकालीन में जब 500 पांडव एकादशी का भीम जैसे थे, अपने भीम वो एकादशी नहीं कर पाते थे, उनको भूख ज़्यादा तीव्र लगती थी, तो उस टाइम में सब एकादशियों का पूरा वो जो मिलता है लाभ वो इसी एकादशी में कर दिया गया, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप कोई भी एकादशी नहीं करके ये एकादशी कर लो तो सारी एकादशी का फल प्राप्त होता है। व्रत करना चाहिए, धर्म करना चाहिए फिर आपको? इसमें दोनों काम होते हैं, भगवान का ध्यान भी करना चाहिए, मानसिक और धर्म भी करना चाहिए, जितना कर सकते हो आप उतना धर्म
कर सकते हो और जीव के प्रति दया भी करनी चाहिए। व्रत भी किया जाता है कितने? बिल्कुल व्रत भी किया जाता है बिना जल के, इसलिए इसको निर्जल निर्जला एकादशी कहते हैं। अच्छा, ये आपने क्या व्यवस्था दे रखी है? ये नींबू पानी है, ठंडा एकदम नींबू पानी है, इसमें काली मिर्च वगैरह सब डाला हुआ है। चलो जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय रतनगढ़ धार्मिक चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका इस रतनगढ़ धार्मिक चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी हम खड़े हैं अशोक स्तंभ के पास में, अब आगे चलते हैं बस स्टैंड। तो आपने देखा कि अब मैं पहुंच चुका हूं बस स्टैंड। शुरुआत की थी मैंने अगुणे बाज़ार से, अब समाप्त करते हैं हम बस स्टैंड के ऊपर। देख सकते हो कि यहां भी पेयजल की सुविधा है, यहां रूह अफजा पिलाया जा रहा है। यहां लिखा हुआ है श्री गोपीनाथ जी मंदिर रतनगढ़ के द्वारा, ये समस्त कुलथिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता, लिखा हुआ है गोपीनाथ जी मंदिर के द्वारा ये सारी व्यवस्था दी गई है। भाई साहब से जानकारी लेते हैं, भाई साहब ये सुबह कितने बजे शुरू किया था आपने? जैसे 7 बजे से। और शाम तक कब तक रखोगे आप? 5-6 बजे तक। क्या चीज़ है ये? ये रूह अफजा शरबत। और क्या है? और शिकंजी है, समोसे हैं। समोसे भी हैं? कहाँ है समोसे, दिखाई नहीं दे रहे वास्तव में। अरे वास्तव में देख सकते हो कि एक ऐसी जगह है जहाँ ये देखिए, अब मैं उधर ही आ रहा हूँ, अभी देखता हूँ वैसा उधर आ रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ लीची भी है और साथ में मुझे समोसे और बताए गए, समोसे भी है क्या? हाँ समोसे भी हैं, लीची भी और समोसे भी हैं। देखो भाई साहब ये भी समोसे खा भी रहे हैं। वो अभी मेरे को एक भक्त मिले, उन्होंने कहा भाई साहब बीकानेर के अंदर बहुत ज़ोरदार शानदार निर्जला ग्यारस मनाई जाती है, लेकिन रतनगढ़ भी कम नहीं है। आपने देखा लीची शरबत समोसे। भाई साहब आप जब ये निर्जला ग्यारस का कार्यक्रम के अंदर सभी को आप शरबत पिला रहे हो, आपको कैसा महसूस होता है? आपका नाम क्या भाई साहब? नमस्कार, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब, रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा आप जानकारी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दामोदर। आप जैसे आज ये कार्यक्रम, जैसे ये निर्जला ग्यारस को पेयजल का कार्यक्रम कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है, गर्मी भी काफ़ी मात्रा में है और मेरे को तो ये निर्जला या एकादशी नहीं, हर दिन जब तक ये जून महीना रहे मई जून के 2-3 महीनों में यहाँ पे ये ऐसा प्रोग्राम होते ही रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है श्री गोपीनाथ जी मंदिर, मतलब इसका क्या मतलब है? पारिवारिक मतलब बुजुर्गों का एक मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा, वो ट्रस्ट है ये, उसी ट्रस्ट के हम सारे सदस्य हैं। अच्छा, उसी ट्रस्ट के बैनर के नीचे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या बताइए? मेरा नाम दामोदर है। चलो जी, दामोदर जी का हमारे रतनगढ़ धार्मिक चैनल में स्वागत करते हैं और आगे चलते हैं। मैं ये पूरा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, अभी बस स्टैंड श्री ताल बालाजी के मंदिर के नज़दीक। और भाई साहब एक और भी बैठे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। भाई साहब आप जैसे ये कार्यक्रम यहाँ है, ठंडे पानी कर, आपको कैसा महसूस होता है? सिर्फ ये पूछेंगे आपको। अति खुशी होती है, ऐसा करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। मेरा सुभाष चंद्र नाम है। आप भी इसी गोपीनाथ जी ट्रस्ट के? हाँ, मैं इनके मंदिर के नीचे दुकान ले रखी है। अच्छा। इनके दिए हुए खाता हूँ मैं तो। अच्छा। और मैं यही प्रेरणा मेरे में है कि सबकी सेवा होनी चाहिए। अच्छा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब हम आगे चलते हैं, वहाँ एक और सेवा के अंदर भक्त खड़े हैं, चलते हैं, वहीं चलते हैं। अभी देखो हमारे साथ भाई साहब हो रहे हैं जिनके सौजन्य से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, उनसे जानकारी लेते हैं और पूरी बात की जानकारी, ताकि सभी भक्तों को ये मालूम हो कि ये जो पेयजल की व्यवस्था जो की गई है किन के द्वारा की गई है। भाई साहब नमस्कार आपको, भाई साहब थोड़ी सी जानकारी दोगे आप? थोड़ी सी जानकारी, मेरा नाम राम मनोज सेवदा है, पिताजी का नाम श्री गौरीशंकर जी सेवदा है। उनके आर्थिक सहयोग से हमने ये सभी मित्रों के द्वारा ये कार्यक्रम किया है और सभी मेरे बड़े भाई छोटे भाई सभी का सहयोग रहा है, जिनके द्वारा मैं ये कार्य संपन्न कर पाया हूँ। जय श्री बालाजी, जय श्री राम। तो ये कब तक चलेगा? शाम के जैसे कितने तक रहेगा? ये 3 और 4 बजे के बीच। सुबह कितने बजे प्रारंभ किया? सुबह 10 बजे स्टार्ट कर दिया था। और 3 और 4 तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक, प्लीज सब्सक्राइब।